हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे विंडो ड्रेसिंग की विंडो ड्रेसिंग का अकाउंटिंग में मीनिंग क्या होता है और कौन सा प्रिंसिपल इसको प्रोहिबिट करता है, यानी कि किस प्रिंसिपल का ये विरोध करती है। तो विंडो ड्रेसिंग, जैसा कि हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, यानी कि खिड़की को क्या करना, ड्रेस करना, उसी तरह अकाउंटिंग में भी इसका मीनिंग लिया जाता है कि जो हम अपने घरों में अपने खिड़कियों दरवाजों को डेकोरेट करने के लिए पर्दे वगैरह लगाते हैं, क्यों? ताकि वो जिस सिचुएशन में है उससे क्या लगे, बेस्ट लगे, अट्रैक्टिव करने के लिए। ठीक है, हमारे जो घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं, हम उनका अट्रैक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं, उनको और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही अकाउंटिंग में भी इसका वही मीनिंग लिया जाता है। विंडो ड्रेसिंग इज़ अ टेक्निक। विंडो ड्रेसिंग क्या है? एक टेक्निक है यूज्ड बाय कंपनीज एंड फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर्स और जो कंपनी है वो इसका यूज़ करती है टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है एंड रिपोर्ट टू शो मोर फेवरेबल रिजल्ट्स। जो हमारे एक्चुअल में रिजल्ट्स है उनको और ज़्यादा फेवरेबल बनाने के लिए, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉर ए पीरियड, एक टाइम पीरियड के, क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारी एक टाइम पीरियड के लिए होती हैं, जैसे 1 अप्रैल to 31 मार्च। तो उनको जब रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, उनसे बेटर उनको शो किया जाता है। ऑल्दो विंडो ड्रेसिंग इज इलीगल और फ्रॉडलेंट, यानी कि जो हमारी विंडो ड्रेसिंग है वो क्या है, इलीगल है, एक फ्रॉड है, बट फिर भी उसको यूज़ किया जाता है। किस लिए? Is to slightly dishonest and is usually done to mislead investors. Investors को mislead करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या दिखाया जाता है, जो हमारी assets हैं उनको actual position से ज़्यादा और जो हमारी liabilities हैं उनको actual position से कम पे दिखाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे investors हैं वो misguide होते हैं, वो हमारी company की तरफ attractive होते हैं। और कोई भी अगर आप कोई गलत काम करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसके पीछे भी, इस फ्रॉड करने के पीछे, इलीगल काम करने के पीछे भी क्या रीज़न है कि फाइनेंशियल मैनेजर्स वो क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, उनके शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होते हैं। और कई बार बैंक भी लोन देने से मना कर देती है जब आपका प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है, तो उस सिचुएशंस में भी विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश की जाती है ताकि कम रेट पर बैंक से क्या मिल सके, लोन मिल सके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि विंडो ड्रेसिंग किसे कहते हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, और विंडो ड्रेसिंग को जो हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र है वो क्या करता है, इसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र क्या कहता है कि हर एक चीज़ को जिस सिचुएशन में वो है उस सिचुएशन में उसको रिप्रेजेंट करो, बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसे वो सिचुएशन से किस सिचुएशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, बेस्ट सिचुएशन में, यानी कि बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है वो शो नहीं हो पाती, जिससे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर मिसलीड होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।